देवरिया से। कोतवाली क्षेत्र के मऊ रोड महतवार गांव के समीप सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर हमला बोलते हुए मोदी को दुनिया का सबसे झूठा नेता बताया। इस दौरान उन्होंने शुरू में कहा था कि सौगंध मुझे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज आलम यह है कि रेल, हवाई जहाज, BSNL, कोयला की खदाने सहित सब कुछ बेचा जा रहा है। श्री राजभर गुरुवार को भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा जनता उन्नति पार्टी के तत्वाधान में आयोजित पंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही, उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो घरेलू बिजली माफ, और भाजपा द्वारा गरीबों के घर में लगाए गए बिजली मीटर को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। पुलिस के जवानों को 8 घंटे ड्यूटी के साथ सप्ताह में 1 दिन अवकाश भी रहेगा। उन्होंने जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान ने समाज का आह्वान किया कि वे अपने अधिकार पाने के लिए एकजुट होकर भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करें। पंचायत को सपा के पूर्व विधायक संग्राम सिंह यादव, शिवेंद्र बहादुर सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, बद्रू दुजा उर्फ बबलू अंसारी, जावेद अंसारी, वीर बलराम, अशोक यादव, अंशु यादव, दिनेश राजभर, रिंकू सिंह, पिंटू अंसारी, एकलाख कुरैशी, ओम प्रकाश चौहान, बेलाब कुरैशी आदि ने संबोधित किया। इस बैठक की अध्यक्षता अनिल सिंह चौहान ने की व संचालन धीरज चौहान ने किया। बलिया से आरिब अहमद अंसारी की रिपोर्ट। दुनिया में अगर झूठा कोई नेता हो तो नरेंद्र मोदी जी। अब देखा कहता है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया आए हवाई चप्पल के चलने वाले गरीबों। पहले रहना की 15-15 लाख दे, कोई के मिलल दो कर। भारतीय जनता पार्टी की है जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कौन मर रहा है कौन जी रहा है उसे मतलब नहीं है, उसे मतलब से पूछते हैं। अभी कोरोना में भी आप उदाहरण देख लीजिए जी, कि लोग वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए तरस रहे थे, और ये सरकार बंगाल में वोट के लिए तरस रही थी।